अपने लिए 4B पेंसिल, ठीक है। अब ये डार्क एरिया देखो, जैसे मैं ऊपर से चार्ज स्टार्ट करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे गर्दन थोड़े इस साइड से आ रही है ऐसे, ये यहाँ, तो तुम्हें समझ में आ गया कि ये वी शेप है। तो हल्का हल्का मैं यहाँ 4B से शेड करना स्टार्ट किया, ये ऐसे वी शेप में, ठीक है, इतना काफी है। फिर ये देख सकते हो ये बॉर्डर के पास है, ये हिस्सा लाइट छूटा हुआ है, तो मैं बस यहाँ यहाँ डार्क शेड करूंगा, ठीक है, ये किया। इसके बाद ब्लेंडिंग स्टंप लिया, तो ये वाला जो हिस्सा है जो डार्क है, मैं इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूंगा, ठीक है। और ग्रेफाइट अपन को अच्छा खासा ब्लेंडिंग स्टंप पे भी मिल जाएगा, ये इस तरीके से वी शेप में करते करते चलो नेक के पास, ठीक है। हल्का हल्का यहाँ करो, अपन को जो हाईलाइट है अपन अपनी मोनो जीरो इरेजर या नीडेड इरेजर नॉर्मल इरेजर से बाद में दे देंगे। ये हाईलाइट यहाँ पे देखो, ये अपन को बीच में दिख रहा है, तो इसकी बॉर्डर बॉर्डर पे हल्का सा शेड करा, कॉलर बोन पे करा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने करा, अपन ने एक सिंगल पेंसिल का यूज करके सिंपली शेड कर लिया। मैं ये भी बता देता हूँ मोनो जीरो कैसे यूज करेंगे। मान लो जैसे ये हिस्सा देखो, ये दिख रहा, ये हाईलाइट वाला पोर्शन, तो ये ऐसे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये हल्का सा हाईलाइट यहाँ आ रहा, ये थोड़ा सा हाईलाइट यहाँ आ रहा, ठीक है। भले ये हिस्सा और डार्क हो जाए, अपन इरेज कर लेंगे उसे, मान लो ये डार्क हो गया, ये इरेज कर लिया, तो ये हल्के हल्के जो छोटे छोटे हाईलाइट है, अभी तुम्हें इतने से पोर्शन पे कुछ फर्क नहीं पता चल रहा, ठीक है, लेकिन जब तुम पूरा करोगे, ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा अभी इतना देखना, यहाँ पर पोर्शन और बताऊंगा मैं, उसके बाद फिर मैं टाइम दूंगा करने का। तो अपन लेफ्ट वाले पोर्शन से चालू करते हैं या राइट वाले से, जिससे भी करना हो, ठीक है। तो अपन को ये देखना है कि अपन सिंगल पेंसिल यूज करें तो हर जगह डार्क नहीं हो, जैसे इसमें नीचे की तरफ डार्क है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हिस्सा मैंने डार्क किया, आराम से डार्क किया, अब ये डार्क टू लाइट ऐसे ले जाऊंगा, ये डार्क टू लाइट दिख रहा तो मैं ये डार्क यहाँ पे है। अब धीरे धीरे लाइट होना चालू होगा, तो हल्का हल्का आगे जाएगा ये, ठीक है। सेम चीज यहाँ होगी, यहाँ थोड़ा सा डार्क है और हल्का हल्का ऊपर आएगा लाइट होते होते। ये हाईलाइट वाले एरिया अपन बाद में इरेजर से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। फिर शोल्डर वाला रीजन अपन को ऐसे ड्रॉ करना नहीं था ये, ठीक है, ये हल्का सा शेड कर लो। तो ये शेड कैसे हुआ, वर्टिकली करो ऐसे, ऐसे ये डार्क है, ये धीरे धीरे यहाँ करते करते यहाँ पे आएगा। ये शोल्डर वाला रीजन देखो, ये ऐसे करते करते हल्का सा नीचे आ रहा है। शेप ध्यान रखना, ये हाईलाइट मैं छोड़ जरूर रहा हूं, ठीक है, तुम लोग को भी उसी तरीके से सिमिलरली कुछ करना है। ये अपन ने किया, अब इसे ब्लेंड कैसे करना, तो डार्क एरिया से चालू करो, तो डार्क एरिया से डार्क वाला हिस्सा करना, ठीक है, ये ऐसे डार्क वाला हिस्सा। ब्लेंडिंग स्टंप में भी दो हिस्से होंगे, एक डार्क और एक लाइट, डार्क टू लाइट आया, ये अपना ऐसे ही ओवल शेप में चलाते जाओ, डार्क टू लाइट धीरे धीरे करना, स्मजेस नहीं आने चाहिए। अपन ने इस तरीके से यूज करते करते पूरे इधर कर दिया। अब ये वाला हिस्सा जो किया था अपन ने, इसे भी ऐसे ऐसे वर्टिकली करा ब्लेंड, ये थोड़ा शोल्डर के पास, ये वाला जो रीजन है इस पे अपन थोड़ा प्रेशर के साथ चलाएंगे अपना ब्लेंडिंग स्टंप थोड़े से, ठीक है। ये जो हल्के हल्के स्ट्रोक्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये तो हल्के हल्के प्रेशर के साथ ये ऐसे आएगा, तो देख सकते हो डिफरेंस अपना कितना अच्छा लग रहा है, ओके। तो इस तरीके से अपन करते हैं, इसमें तुम हल्का सा अगर चाहो तो स्मूदिंग करने के लिए, ये मेरा रफ पेपर है, ठीक है, पेपर तुम्हारा जितना स्मूद होगा तुम्हारा उतना अच्छा लुक आएगा। ये मैं थोड़े 120 GSM यूज करता हूँ इसमें, स्केचबुक में, और थोड़े ग्रेन पेपर है, ठीक है, तो ऐसे आता है। तुम और आइवरी शीट पे करोगे तो एकदम स्मूद आएगा, ठीक है। तो यानी कि अपन एकदम मोनो जीरो इरेजर से पूरा हटा दो, इसलिए काम होते हैं नीडेड इरेजर, हल्का हल्का, मैंने क्या बताया था नीडेड इरेजर क्यों होती है, एक लेयर हटानी होगा तुम्हें सिंपल सी, ठीक है। यहाँ हल्का सा यहाँ पे शाइन आ रही है, ठीक है, यहां मैं हटाऊंगा नीडेड इरेजर से, सॉरी मोनो जीरो इरेजर से, यहाँ हल्का सा ऐसे हटा दिया मैंने, तो जहां पे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा शाइन है वहां से हटा दो, ऐसे हर जगह से हटाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, थोड़ा सा एक अच्छा लुक आता है। अपन जितना रेफरेंस एक्यूरेट बना सको उतना रेफरेंस एक्यूरेट बनाओ, ठीक है। अब राइट वाले पोर्शन पे आते हैं,
ठीक है, तो राइट वाला पोर्शन भी सिमिलर है, अपन डार्क एरियाज ढूंढेंगे। डार्क एरिया क्या हुए, चेस्ट का लोअर पोर्शन, तो यहाँ से ऐसे धीरे धीरे डार्क करना चालू हुआ। पूरा ऊपर तक डार्क नहीं करना, अपन को एक लेयर करनी है ताकि अपन उसे डार्क टू लाइट ब्लेंड कर सके। ये डार्क है, इससे थोड़ी एक लेयर हल्की हल्की ऊपर होगी। अब तुम एक बात नोटिस करना, राइट साइड वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा डार्क है, ये वाला पोर्शन ऐसे शेड करते हुए आएगा। ये तुम्हें ड्रॉ नहीं करना, ये भी इरेज कर लेना, ठीक है, ऐसे शेड करते हुए आए। ये हाईलाइट है तो यहाँ पे अपन छोड़ भी सकते हैं ऐसे इतना पोर्शन हाईलाइट में, ठीक है। यहाँ पे देखो ये डार्क है तो यहाँ पे ये मैंने डार्क किया ऐसे शेड, यहाँ आउटलाइन करते करते आया मैं धीरे धीरे, ठीक है। अब जो ये वाला पोर्शन है, ऐसे डार्क तो छोड़, डार्क और लाइट एकदम तो छोड़ नहीं सकते, तो अपन को बीच में हल्की सी शेड करनी है ताकि ब्लेंडिंग में आसानी हो। अब अपन ब्लेंड करेंगे तो नीचे वाले पोर्शन से चालू करते चेस्ट के, ओके, ये आराम से बनाया अपन ने। अब देखो कैसे धीरे धीरे कर्व करते करते ऊपर लाओ धीरे से। ये वाला जो पोर्शन है ऐसे वर्टिकली चलाओ, ये किया, और ये करते करते लेफ्ट साइड है, लेकिन लेफ्ट साइड ऐसे नहीं कि अपन पूरा भर दो, ये देखो थोड़ी शाइन आ रही है, तो अपन वो थोड़े शाइन के इस तरीके से शेप में रहो, ठीक है। इतना हिस्सा भर दिया अपन ने, ये ऊपर वाला हिस्सा ब्लेंड करा, ये हिस्सा ब्लेंड करा, ठीक है। तो ये अभी अपन एक बेस लेयर टाइप समझ लो, ये जरूरी नहीं कि तुम्हारी ये पहली लेयर ही फाइनल लेयर हो, तुम हो सकता है एक बेस कोट दे रहे हो फिर और डार्क पेंसिल से और डार्कर पोर्शन, जैसे ये वाले पोर्शन है जैसे 10B से दे सकते हो, ठीक है। तो ये अपना अपर पोर्शन होता है, एक एग्जांपल की तरह लो कि कैसे किया मैंने, ठीक है। थोड़े नीटनेस के साथ करो, ओके, थोड़ी थोड़ी डिटेल्स देते जाओ, जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट, जैसे ये वाला हाईलाइट हुआ तो यहाँ थोड़े थोड़े हाईलाइट। अब देखना तुम लोग क्या करोगे, भर दोगे सिर्फ, जो छोटे मोटे हाईलाइट है उन्हें भूल जाओगे, तो वो नहीं करना, अपन करो लेकिन टाइम दो और अच्छे से करो। तो इतना पोर्शन करो पहले, तो आ जाओ हैंड पे। अब हैंड पे क्या करना है अपन को, देख सकते हो हैंड पे ये राइट साइड जो है डार्क है, ठीक है। अब बीच में जो नसें दिख रही हैं वो अभी नहीं बनाओ, ठीक है, पहले अपन एक बेस शेड सा देंगे। ये दिया मैंने बेस शेड एक आगे, फिर यहां दिया। अब क्या करना है मुझे, एक थोड़ा हल्की सी लेयर आगे की तरफ देनी है ताकि ब्लेंडिंग में आसानी रहे, ठीक है। हाथ में भी सेम चीज ये होगी, ये डार्क किया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे भी डार्क है ऐसे ये, बस इतना काफी है। तुम्हें थोड़ा और डार्क करना है अगर कुछ, तो ये ब्रेसलेट टाइप कुछ कर सकते हो। ओके, अब लैंडिंग स्टंप लिया अपन ने, ये अपन ने ऐसे कर्व करते करते धीरे आगे की तरफ ले गए। सेम चीज यहाँ कर्व करते आगे, यहाँ पे भी अंदर अंदर पूरा शेड कर देंगे अपन। अब देखो खाली ऐसा आम अच्छा नहीं लग रहा, तुम मैकेनिकल पेंसिल लो, तुम्हें नसें दिख रही होंगी, जैसे मान लो इधर पे जूम करूं मैं, तेज वाली जो नस है यहाँ पे ऐसे कर्व होते हुए जाए, तो तुम्हें जो दिख रही है वो आउटलाइन सी बना लो बस ऐसे, ये हल्की सी ये बनाई, फिर यहां से वाई शेप में आ रही है, ठीक है, यहां से थोड़ी एक और सी आ रही है, थोड़ी डार्क सी दिख रही है अपन को, तो ये हमने बना ली। अब अपन क्या करेंगे, पहले तो जो हाईलाइट वाले पोर्शन है ऐसे ये वाले हो गए, तो ये अपन ने अपनी नीडेड इरेजर से इरेज करे, फिर थोड़े जो ज्यादा डार्क लाइट पोर्शन है ऐसे ये फिंगर्स वाले, ये अपन ने इरेज करे इससे अपनी मोनोजीरो से। अभी जो नसो वाला एरिया है, ठीक है, अपनी मोनोजीरो तो देखो अपन ने जो पेंसिल से, अब उसके ऊपर ऊपर जैसे पहले बहुत पतली सी एक लेयर ऐसे इरेज कर लो, तो वो तुम्हारी एक बेसिक सी अपन जो बनाते हैं, अभी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे, ठीक है, क्योंकि एक बेस सा बनाना देख रहे, तो हल्का सा जो पेंसिल से तुमने बनाई मैकेनिकल उसमें इरेज कर लो, तो तुम्हें अच्छी सी नस मिल जाएगी, थोड़ी सी इरेजर इरेज पेंसिल इरेज हो रही है, कोई परेशानी नहीं है। तो हल्का सा ऐसे किया, ये थोड़े डार्क पोर्शन में भी पीछे की तरफ किया मैंने,
इससे क्या होता है, एक अपन को बेसिक सा वो मिल जाता है शेड, और एक अच्छी सी लुक भी आ जाता है, ऐसे हाथ खाली खाली नहीं लगते अपने बाइसेप्स, ठीक है। सेम चीज अपन राइट वाले हिस्से में करेंगे, राइट वाला हिस्सा थोड़ा अलग है, ठीक है, ये एक डिटेल्ड है, अपन कोई रियलिस्टिक स्केच भी बना रहे हैं, ओके, कि अपन को एकदम वो भर भर के करना नहीं, अपन एक ह्यूमन एनाटॉमी कर रहे हैं, ऐसे ही होती है कि अपन एकदम बहुत डिटेल्स नहीं, लेकिन हाँ सफिशियंट डिटेल्स होनी चाहिए। ये अपन फिंगर्स में ऐसे डार्क करेंगे, ये राइट साइड वाला पोर्शन है। अब तुम देखो इसमें जो नसें दिख रही हैं अपन को, यहां से आई, ठीक है, उसके राइट साइड वाला पोर्शन डार्क है और लेफ्ट साइड वाला पोर्शन लाइट है, ये ऐसे आते आते यहाँ उंगलियों पे भी आई, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, वही एक लेयर डार्क करी यहाँ पे ऐसे, हल्की हल्की लाइट करी यहाँ पे थोड़ा आगे, ठीक है, थोड़ा सा डार्क यहाँ वाले पोर्शन पे होगा ये, और थोड़ा यहाँ पे देख सकते हो ये वाला पोर्शन बाइसेप वाला, ये डार्क है, बाकी सब अपन नॉर्मली करेंगे। अब ब्लेंडिंग स्टंप लो, फिंगर्स से करना स्टार्ट कर दो ऐसे ब्लेंड, ठीक है, पहले डार्क वाला पोर्शन ब्लेंड करा अपन ने, थोड़ा ये वाला पोर्शन, और फिर हल्का हल्का लाइट करते हुए, तो ये डार्क है, लेफ्ट साइड करते करते थोड़ा लाइट आओ, ये वाला पोर्शन अच्छे से करना ब्लेंड, ठीक है। अब उतना खास लग नहीं रहा ये हाथ, जैसे ये अच्छा लग रहा थोड़ा, ये नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि इसमें नसें अपन ने उतनी अच्छी नहीं बनी, तो इसे करेंगे, डिफरेंस देख सकते हो तुम, इसमें थोड़ा सा भी अपन ने बना दिए नर्व्स, तो इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस लग रहा है, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। सेम चीज अपन इसमें करेंगे, तो सेम शेप ले जाओ एक अच्छे तरीके से, थोड़ा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ यहाँ पे भी थोड़ा है, अब इरेजर लिया अपन ने, इरेजर से एक पार्ट पकड़ लो, ऐसे लेफ्ट साइड या राइट साइड पकड़ लो, तो सेम ऊपर से लेके नीचे, बहुत पतली सी, ऐसे नहीं कि बहुत मोटी मोटी चला रहे हो इरेजर अपने, नहीं है, बहुत पतली, ठीक है। और ये भी नहीं बोला कि एकदम पूरा इरेज कर दे, हल्की सी लेयर इरेज हो जाए वो भी काफी रहता है, उससे भी एक अच्छा लुक आ जाता है, ठीक है। हल्की हल्की पेंसिल से थोड़ी डिटेल्स दे दो, ये अपना हाथ ऐसे कंप्लीट हो जाता है। थोड़ी उंगलियों पे भी डिटेल्स की जरूरत है, यहाँ जैसे हाईलाइट है, थोड़ा फिंगर्स पे है, ठीक है। तो ये अपने बाइसेप्स और आर्म हो जाते हैं, इतना बना लो। तो अब एब्स वाला पोर्शन बनाते हैं, तो वही अपन को सेम टेक्निक अपनानी है, जैसे ये देखो डार्क पोर्शन कहाँ है, ये है डार्क, ठीक है, ये अपने चेस्ट के नीचे वाला पोर्शन, ये हुआ डार्क, ये एब्स की वाली जो आउटलाइनिंग है, ये हुई डार्क, तो जो डार्क डार्क रीजन है मैं पहले वो कर रहा हूं, ठीक है। अब ये पीछे का पूरे ही रीजन डार्क है ऐसे, तो मैंने यहां करा, यहां ये डार्क है, नीचे आते आते लाइट हुआ थोड़ा, ठीक है, ये ऐसे डार्क है, ये थोड़ा लाइट है, ओके, फिर ये डार्क है ऐसे, ये वाला पोर्शन डार्क हुआ, ये थोड़ा सा लाइट, ये डार्क ज्यादा है, ये लाइट हुआ थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे अपन, थोड़ा थोड़ा यहाँ बाहर की तरफ शेड करो, मैंने क्या बोला, अपने बस ब्लेंडिंग स्टंप में इतना ग्रेफाइट रहता है कि अपन थोड़ा सा उस पर बस ग्रेफाइट और चाहिए होता है, ग्रेफाइट और चाहिए होता है, वरना बाकी सब अपना ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। अपन वही डार्क टू लाइट करेंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, या हल्का फुल्का ऐसे थोड़ी डिटेल्स के साथ ये भी बनाएंगे अपन, ठीक है। एब्स पे आते हैं, एब्स पे क्या होगा, बीच वाले पोर्शन पे थोड़ा शेड कर लो ऐसे, ये वाले पोर्शन पे ऐसे, अपना शेडिंग वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, ये वाले हिस्से पे उतनी करने की जरूरत नहीं है। मेन आते हैं इस वाले पोर्शन पे, ब्लेंडिंग स्टंप से ब्लेंड करना चालू करा, तो पहले ये वाला पोर्शन किया,
अब डार्क टू लाइट करते हुए आएंगे, मतलब सेंटर की तरफ आते आते थोड़ा लाइट कर लो, तो यहाँ से डार्क चालू हुआ, पूरा ऐसे क्लियरली चलाते रहो ये हिस्सा, ठीक है, ये डार्क है, इसे बीच में चलाते चलाते इसे ले आओ, ठीक है। अब ये देखो थोड़ा डार्क टू लाइट यहाँ पे ग्रेडियंट सा जा रहा है, तो तुम क्या करोगे, ये हल्का सा ऊपर की तरफ, ये हल्का हल्का ऊपर की तरफ, ये हल्का हल्का ऊपर की तरफ, ये भी हल्का हल्का ऊपर की तरफ, ठीक है। ये जो हल्का हल्का अपन ऊपर ले जा रहे हैं ये जरूरी है, क्योंकि फिर ये यही एप्स को वो देता है एक डिफाइंड शेप अपना शेडिंग के बाद। ये अपन ब्लेंड भी ऐसे किया, ब्लेंड करते करते इनके ऊपर ले गए, ब्लेंड करते करते ऊपर ले गए, तो ये जो डार्क वाला टोन देख रहे हो ना अपने एप्स में बन गया, ये अच्छा आता है। ठीक है, लेकिन अपन ने तो पूरा शेड भर ही दिया, इसमें फर्क क्या हुआ, ठीक है। अपन ने हाईलाइट वगैरह कुछ दिया नहीं, ना कुछ एक्स्ट्रा डिटेल दी, ना डेप्थ दी, तो वो आप देंगे। तो डिटेल्स क्या होती है अपनी, जैसे ये वाला पोर्शन है, तो ये बनाओ इस तरीके से थोड़ा शेड करते हुए, ठीक है, ये बनाया। अब डिटेल्स और डेप्थ में क्या होता है, ये जो अपन को एप्स पे शाइन दिख रही है, थोड़ी थोड़ी यहां दिख रही है, थोड़ी यहां दिख रही है, थोड़ी यहां दिख रही है, यहां पे, फिर ये वाला वो पोर्शन हो जाता है, फिर यहां पे, ओके, फिर ये जो अपने यहां पे इनके बीच बीच में थोड़ा सा बनाओ, ये जो अपन को ये आउटलाइन बनाई थी हल्का हल्का यहाँ पे ऐसे इरेज करते करते आओ, जैसे ये अपन ने एक ओवल शेप बनाया था किडनी वाले एरिया में, तो यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इरेज करते हुए आओगे, थोड़ा थोड़ा यहाँ इरेज किया, तुम्हें जहां थोड़ा इरेज लग रहा है ना, जैसे ये हाईलाइट यहाँ पे है, थोड़े यहाँ पे दिख रहे हैं अपन को, थोड़े दिख रहे हैं ऐसे बीच बीच में रैंडमली, तो तुम्हें हर जगह बनाने। अब अपन ने जैसे हाथ पे नसें बनाई थी यहाँ पे थोड़े ऐसी, तो ये तुम्हें यहाँ पे भी दिख सकती है ऐसे, तुमने इस तरीके से अपनी मैकेनिकल पेंसिल से थोड़ा बनाया और हल्का हल्का वो रीजन ऐसे इरेजर से इरेज कर लिया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। स्मूथिंग आउट करने के लिए अपन ने हल्का हल्का ब्रश चला लिया पूरे में, बस, ठीक है। तो इस तरीके से अपन हाइलाइट्स भी दे दिए, ओके, तो थोड़ा डेप्थ वाला रीजन हो जाता है, ये यहाँ यहाँ थोड़ा और शेड कर सकते हो ब्लेंड करने के बाद यहाँ यहाँ, और इस तरीके से अपन ने अपना अपर रीजन बना लिया। अब ये बेल्ट वाला रीजन देखो, बेल्ट को क्या है पूरा ऐसे भर दो, ठीक है, ये आराम से अपन ने बेल्ट वाला रीजन बना दिया, ठीक है। अब बहुत अच्छा तरीका देखो, जीन्स में टेक्सचर किस तरीके का है, इस तरीके से थोड़े कर्व है ये, थोड़ा मैकेनिकल से बनाना पहले। अब क्या करो, इन्हें अपने 4B पेंसिल से बनाओ ऐसे, क्योंकि जीन्स अपन को पूरा बनाने, अपन ने क्या था ह्यूमन एनाटॉमी देख रहे हैं, तो अपना मेन क्या था बॉडी वाला पार्ट, तो ये वाला जो हिस्सा है क्या करो, इस है कर तो उससे क्या होगा, अपन क्या करेंगे अभी इस तरीके से वर्टिकली किया अपन ने, ठीक है, और फिर अपन हॉरिजॉन्टली कर दो। तो अब तुम्हें थोड़ी डार्क पेंसिल यूज करो, क्योंकि अपन ने ये डार्क, ठीक है, ये उभर के आना डेप्थ के साथ, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इसमें 8B पेंसिल यूज कर रहा हूँ, तो ऐसे स्ट्रोक्स लगाऊंगा मैं बस, ठीक है, ये मैंने 8B पेंसिल यूज जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बस क्या किया, ऐसे धीरे धीरे इसमें स्ट्रोक्स लगा दिए, और स्ट्रोक्स की जगह करना हो तो ऐसे ब्लेंड कर लो फिर हल्का हल्का उसे ब्रश से या ब्लेंडिंग स्टम्प से, जिससे तुम्हारी मर्जी हो, और इस तरीके से अपना ये बढ़िया सा स्केच तैयार हो जाता है। बेल्ट वाला रीजन थोड़ा ऐसे डार्क कर लेना जो तुम्हें जरूरत हो, ठीक है, थोड़ा और टेक्सचर दे सकते हो अच्छा खासा, जिस तरीके से तुम्हारा मन हो, ठीक है। तो मेनली जो अपना बॉडी वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इस तरीके से अपन ये अपना स्केच क्यों भी कोई भी ह्यूमन एनाटॉमी कोई भी रेफरेंस लेके अपन ने बना लिया। तो अपन किसी की बॉडी का रेफरेंस लो, कोई भी व्यक्ति बैठा है, ठीक है, तो कोई बैठे हुए पोज का तो मैं पहले बता चुका हूँ,
ठीक है, तो इस तरीके से अपन कैसे एक जो रियल बॉडी रहती है उस तरीके से बनाते हैं, ठीक है।